कर्ता सॉरी कारक कारक क्या है क्रिया अन्वेति इति कारकम् क्रिया जिस शब्द का क्रिया से साक्षात संबंध है उसे कारक कहते हैं संस्कृत में छह कारक है कर्ता कर्म करण संप्रदान तथा अपादान अधिकरणे इत्याहो कारकाणि षट् व्हाट इज कर्ता कर्ता इज द डूअर कर्ता इज द डुअर ऑफ द एक्शन एंड टू डू प्रथमा ऑफ कर्ता क्रियांत्रे विवक्षि देन कर्ता कर्म देस ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट अचीव्स थ्रू एक्शन इज कर्म एंड टू डू ऑफ़ कर्म

जो क्रिया का अधिक महत्वपूर्ण साधन है क्रिया होने का दैट इज करण एंड नीड टू डू तृतीया हतो वाली वाली राम के बाण से वाली मारा गया रा, वाली मार जाने के कारण अनेक है राम है राम के हाथ है मसल्स लिगामेंट है लिगामेंट्स है ब्लड है फिंगर्स है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है वो है राम और मतलब उसका बाण है That वी be तृतीयाल बी बाणेन लाइक देवे will विल बी बाणेन रामेण बाणे वाली। Or ahem. Lekhanya likhami. I am writing with pen. Pen, pencil, whatever. In this sentence, what is action? Writing is the action. Who is the doer? I. I is the, what is subject? I. Ahem. Ahem likhami. अहम के निखामी अहम लेखनया लिखा इस वाक्य में लिखना ये जो क्रिया है इसमें अनेक साधन जो है अनेक साधन उपयुक्त है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है प्रकृष्टोपकार सबसे महत्वपूर्ण उपकारक साधन है उसे करण कहा जाता है मैं हाथ में लेखनी से लिखती हूं मतलब मैं मेरी इच्छा मेरा मेरी इच्छा मेरा हाथ मेरे फिंगर्स सब कुछ साधन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है लेखनी इसलिए मैं लेखनी से लिख रही हूँ इसलिए यहां करण है और नीड टू डू वी नीड टू डू

संप्रदान ये रिसीवर है इन अदर वर्ड्स यू कैन से संप्रदान इज रिसीवर जो लेता है वो रिसीवर है एंड वी नीड टू डू वो जो लेता है दैट दा, इज रिसीवर और उसे संप्रदान सौज्ञा प्राप्त होती है एंड वी नीड टू डू चतुर्थी ऑफ संप्रदान आई विल रिपीट दानस्य कर्मणायम अभिप्रयतिस सा संप्रदान सौज्ञस्य दान दान जो दान प्राप्त करता है वो संप्रदान संज्ञक होता है द वन हु इज द रिसीवर गेट्स परिभाषा विच गेट्स द संप्रदान परिभाषा एंड वी नीड टू डू चतुर्थी ऑफ संप्रदा नाउ नेक्स्ट अपादान अपादान मीन्स वॉट मीन्स फ्रॉम विच द सेपरेशन ऑक मींस वॉट धावतो means सहा धावतो अश्वाद पत्थी दौड़ते हुए घोड़े से वो गिरता है इस क्रिया में क्रिया कौन सी है दौड़ने की तो ये दौ, दौड़ने की क्रिया किससे शुरू हो रही है ये विलगीकरण क्रिया किससे शुरू हो रही है सॉरी दौड़ने की नहीं विलगी घोड़े ये, ये से गिरता है तो ये गिरने की जो क्रिया है मतलब ये जो विलगीकरण की क्रिया है सेपरेशन की क्रिया है ये कि कहा किससे हो रही है ये क्रिया अश्व मतलब घोड़े से शुरू हो रही है इसलिए घोड़ा यानी अश्व इसको अपादान कहा जाता है और अपादान की पंचमी करनी चाहिए अपने शस्वीन साध्य ध्रुवम तद अवधिभूत कारकम तद अपादान इज सरण अधिकरण मतलब आधारो अधिकरण अधिकरण आधार की जो आधार है जो सपोर्ट है उसे अधिकरण कहा जाता है एंड वी नीड टू डू सप्तमी ऑफ अधिकरण आई से आई एम सेटिंग ऑन सोफा मैं सोफा पर बैठी हूं मेरे मेरे बैठने का आधार क्या है क्रिया का आधार क्या है ये सोफा है एंड सोफाव और सोफाइल गेट परिभाषा गेट अधिकरण परिभाषा वी कैन कॉल अधिकरण टू सोफा एंड वी नीड टू डू सप्तमी ऑफ सोफा वाय बिकॉज अधिकरण सप्तमी इफ आई से आयुषी आसंद आयुषी आसंधिका उपविशति आयुषी दूस नौ सी आयुषी इज से ऑन द चेर हम्म इज सपोर्ट ऑफ आयुषी मीन

here we have finished six karak miss now you can stop recording